हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। तो उसमें आपने देखा कि ट्रांजिस्टर्स का मुख्य फोर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ट्रांजिस्टर सर्किट कन्फिग्रेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स था जो इम्पोर्टेंट था, करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसमें हम लोग जो देख रहे थे करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, तो एम्प्लीफिकेशन का जो वर्किंग करता है उसे एम्प्लीफायर कहते हैं, एम्प्लीफायर। तो एम्प्लीफायर कैसे बनता है, किस प्रकार से, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में कि ट्रांजिस्टर से हम लोग एम्प्लीफायर कैसे बनाते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर, कि ट्रांजिस्टर्स को एक एम्प्लीफायर की तरह उपयोग कैसे करते हैं। समझते हैं पहले एम्प्लीफायर क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि एम्प्लीफायर्स एम्प्लीफिकेशंस का वर्किंग करता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग को कोई फंक्शन पार्टी को अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पर माइक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। माइक्स हमारे साउंड्स को कैच करता है और इस साउंड्स को कई गुना बढ़ा देता है, जिसके कारण से हम धीरे भी बोलते हैं तो उस साउंड जो है बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। अर्थात जो माइक्स ने हमारे साउंड को कैच किया था तो उस साउंड्स को ये एम्प्लीफिकेशंस करता है, अर्थात उस साउंड्स के एम्पलीट्यूड्स को मेनी टाइम्स बहुत बार बहुत गुना बढ़ा देता है, जिसके कारण वो जो साउंड कम एम्पलीट्यूड का था वो हाई एम्पलीट्यूड का हो जाता है। एम्प्लीफायर्स साउंड्स के या फिर सिग्नल्स का एम्प्लीफिकेशंस करता है या फिर एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। तो आप एम्प्लीफायर्स का डिफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि कहीं एग्जाम में इस क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एम्प्लीफायर, ए डिवाइस विच इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एम्प्लीफायर। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो डिवाइस इनपुट सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड्स को बढ़ा देता है उसे एम्प्लीफायर कहते हैं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे थे ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर, ट्रांजिस्टर्स में तीन टर्मिनल्स होते हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर्स का थ्री टाइप से कॉन्फ़िगरेशंस करके हम लोग तीन तरह का एम्प्लीफायर्स बना सकते हैं, जिसके नाम हैं कॉमन, इमीटर एम्प्लीफायर, सेकेंड है कॉमन बेस एम्प्लीफायर, और थर्ड है कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफायर। अर्थात हम लोग ट्रांजिस्टर्स को थ्री टाइप से कॉन्फ़िगरेशंस करके हम लोग तीन तरह का एम्पलीफायर बना सकते हैं, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो जैसा कि हम जानते थे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशंस का उपयोग सबसे अधिक होता है, इसलिए यह एम्पलीफायर मोस्ट वाइडली यूज होता है और इसका उपयोग बहुत कम होता है, इसका उपयोग रेयरली या फिर बहुत या फिर इसके मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह नाम में लिखा हुआ है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, अर्थात इसमें हम लोग इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए इमीटर को कॉमन रखेंगे, अर्थात हम लोग किसी साउंड को एम्प्लीफिकेशन करना है तो उस इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट के लिए यहाँ पर इमीटर्स को कॉमन रखेंगे, और कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए बेस को कॉमन रखेंगे, और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट सर्किट के लिए कलेक्टर्स को कॉमन रखेंगे। तो इन तीनों के बारे में अब डिटेल में जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।